आराम से आराम से। हाँ तो 144 का सेक्शन लागू किया यहाँ पे। एक मुलगा बार ले ला मुझे। हे पीपल, इट्स अ बॉय द लेट कमर बैक अगेन विद अनदर व्लॉग। मानसून का टाइम हो और अगर वाटरफॉल हम लोग ने एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया। आज मैं मेरे नए GoPro Hero 11 के साथ, जो कि मैंने सिर्फ 35,000 में लिया है, अगर आपको भी वो देखना है कैसे और कहां से, तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उसके साथ हम लोग जाने वाले हैं एक्सप्लोर्ड वाटरफॉल देखने के लिए, जो कि ये बेलापुर में है। मेरे दोस्त लोग ने मुझे बताया कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा और अनएक्सप्लोर्ड वाटरफॉल है, तो चलिए देखते हैं। और मैं मेरे कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी भी टेस्ट करूँगा, तो चलता हूँ। पहले ही बहुत लेट हो गया और बारिश भी गिर रही है। कॉफी है अंकल? कॉफी वाला बार गया। बारिश बहुत जोर से हो रही है गाइस और मुझे नहीं मिल रहा कॉफी। सुबह का टाइम है और बहुत नींद आ रही है। अंकल हंस नहीं रहे, क्या हुआ? अच्छा, हंस क्यों नहीं रहे? अरे हंस रात है। अरे माँ चुदी परी। तो फाइनली हमारे कॉफी वाले अंकल आ गए हैं। हेलो। स्ट्रांग बना अंकल। हाँ। और ये मेरी ऑडियंस मुझे देखने के लिए रुके के बंदा क्या कर रहा है, क्या बोले भाई? वाटरफॉल वाटरफॉल वही तुम भी वही जा रहे हो क्या? नहीं, हम हमारे कॉलेज से आ रहे थे तो तुमको देखा ब्लॉग बनाते हुए। अच्छा, हमको लगा यूट्यूबर है तो ब्लॉग बना। ओके, हमारे अंकल है ये बहुत भारी चाय बनाते हैं कॉलेज में, इनका ही चाय चलता है। चाय और कॉफी वगैरह जो कुछ ना सब सर लोग इनका चाय बना के सिखाते है तो ज्यादा दिमाग में जाता है। क्या बोला तूने? सर लोग इनका चाय बना के सिखाते तो ज्यादा दिमाग में जाता है। हग दिया। अरे सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब नाम हाँ करना भाई को। उसे ना हो पाएगा भाई, नाम के चैनल का नाम बोल दो। तो चलो नए सब्सक्राइबर्स तो मिल गए। एक नंबर, ऑल द बेस्ट आपके लिए और सब्सक्राइब। थैंक यू। तो अंकल ने हमें बना के दिए गर्मा गर्म चाय, नहीं कॉफी, सॉरी कॉफी। सारी सारी गलती हो गई, गलती हो गई। मेरा यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब करो ना अंकल। नहीं, मैं नए सब्सक्राइबर जोड़ रहा हूँ दोस्तों, क्या करूँ, नया क्रिएटर हूँ। नहीं, अभी वो वाले माउंटेन के ऊपर जाना है हमें। काय झालेला मावशी तिथे? एक मुलगा वारलेला सोडा, आता ते पोरग पडलं म्हणून तिकडे जाऊन देते। अच्छा। तो वहाँ पे पुलिस खड़े और अंदर जाने के लिए मिलेगा या नहीं पता नहीं, अभी जाके देखते। इतना दूर तो आ गया हूँ, अगर नहीं मिला तो फुल वेस्ट हो जाएगा यार, सीन बहुत गंदा हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों ये है वो बैनर और यहाँ पे जो आगे है पुलिस खड़े है। कल झालं काका इथे? बंद है। बंद है? फक्त जाऊन 5 मिनिटात पण नाही होऊ शकत। यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे है, इसपे लिखा है कि 144 का सेक्शन लागू किया यहाँ पे, तो जिसके तहत एंट्री बंद कर दी है। तो दोस्तों हमें वहां से तो जाने मिला नहीं, लोकल जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से और एक रास्ता है, तो मैं अभी वहाँ पे जाके ट्राई करता हूँ। यहाँ पे वो आगे, हम लोग वहाँ पे थे, अगर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे से, वहाँ पे लड़के लोग बैठे दिखा तो आपको, जिनको जाने नहीं मिला, वहाँ पे सामने बैठे, वहाँ से ही सामने ये बड़ा गटर, उसके बाजू से यहाँ पे और एक रास्ता है, तो यहाँ पे भी ये बोर्ड लगा हुआ है। चले आगे जाके देखते क्या सीन है, क्योंकि यहाँ से एक कार तो गई है अभी। मैं तो मेरा पूरा ट्राई कर रहा हूँ, देखते अभी क्या हो रहा है यहाँ पे। नेचर देखिए यहाँ पे, दिख तो रहा है बहुत बढ़िया,
अंदर घुस गया हूँ मैं। यहाँ से आगे जाके देखता हूँ कुछ है या नहीं है, क्या है, जो भी है। अच्छा लगता है। मुझे तो डर लग रहा है गाइस। यहाँ पे वो वाटरफॉल के लिए रास्ता किधर से, झरने के लिए? झरने के लिए मुझे आई डोंट नो, पता नहीं मेरे को। नहीं पता? हाय हाय बोल दो। वहाँ पे तो दिख रहा है हमें एक झरना, क्या पता कहाँ पे जाना। नहीं है का भाऊ, धबधबे साठी कुठून रास्ता है वॉटरफॉल? इकड़ून ना है। सो एक्चुअली दोस्तों, मैं यहाँ पे आया था दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए झरने का, तो हमें ये एक गौशाला मिले यहाँ पे जो एक अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक। लोगों को ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में। श्री अंबाजी गौशाला करके एक गौशाला है जहाँ पे गायों का ख्याल रखा जाता है फ्री में। अनएक्सपेक्टेड था। जय गौ माता। पहले हम लोग यहाँ का टूर कर लेते हैं और देखते फिर आगे क्या होता है। यहाँ पे बहुत सारे गौ भक्त आते हैं। कितने गाय है बोले आप? 300, छोटे बड़े पकड़ के 300 है। सबसे बड़ा पुण्य होता है हमारे हिंदू धर्म में एक गाय को चारा खिलाना। देखो कितनी प्यारी है। कुछ नया एक्सपीरियंस करने मिल रहा है दोस्तों। अनएक्सपेक्टेड था ये सब। अगर आप हिंदू हो तो आप समझ सकते हो कि गाय को चारा खिलाना कितनी बड़ी बात होती है। और सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों, वहाँ पे भी आगे हर जगह पे यहाँ पे गाय भरी हुई है। अगर आप बेलापुर में हो और या फिर कहीं आसपास हो और आपको गौशाला को विजिट करना है, गौशाला देखनी है, तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे देखिए आके गायों को चारा खिला रहे हो। पनवेल से, नेरुल से, दूर दूर से आए हुए इधर सब गौ भक्त। मैम आप हमेशा आते हो क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसे मंथली या वीकली। अच्छा, आप लेके आते हो मतलब चारा गायों के लिए। ओके हाय बोलो। हाय, लोगों को बोला सब्सक्राइब करो। दोस्तों ये है असली फन, ये असली जिंदगी। अगर आप हिंदू हो तो आपको समझेगा कि गौ का हमारी जिंदगी में कितना महत्व है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये जो एक्सपीरियंस है वो असली एक्सपीरियंस है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री भाई। हर देखो लाला, देखो लाला। टाइम क्या? जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये थी श्री अंबाजी गौशाला। चलते यहाँ से बाहर अभी। हम लोग यहाँ पे आए थे और हमें ये दोस्त मिले हमारे, ये भी वाटरफॉल के लिए आए थे। क्या है नाम आपका? पवन। मंगेश कुमार। अमित कनौजिया। आशीष कनौजिया। रोहित कनौजिया। तो ये है कनौजिया ब्रदर्स और इनको भी पुलिस ने छोड़ा नहीं। ये भी यहाँ पे एक तालाब है तो उसके जगह पे रील्स बना रहे और इंजॉय कर रहे हैं। तो लग रहा है आज का तो दिन नहीं जाएगा हमारा अच्छा, क्योंकि वाटरफॉल का रास्ता नहीं मिल रहा है हमें। देखते, मैं फिर भी ट्राई करूंगा एक आपके लिए और फिर जाऊंगा घर पे। आज के लिए बहुत हो गया। मैं जा रहा था और मुझे ये दोस्त मिले। इनका नाम है, क्या नाम है? चांद मोहम्मद। चांद। और आपका? शाह मोहम्मद। और आपका? दोस्त मोहम्मद। तो अभी इनके साथ हम लोग जंगल के रास्ते से जाने वाले, ट्राई करेंगे होता है कि नहीं। आगे भी हम लोग को जो दोस्त मिले थे उनको भी पकड़ेंगे, सबको लेके जाएंगे। पुलिस आएगी तो पहले मैं भागूंगा। और यहाँ पे ये झोपड़ा है ना, यहाँ से हमें जाना है। यहाँ से रास्ता है झोपड़ी से, पानी में से जाना पड़ेगा। वो बोला रास्ता नहीं है ना, तो थोड़ा ये है ना, ये क्या छोटा रास्ता है। चलो
बहुत खतरनाक एडवेंचर चल रहा है, बहुत खतरनाक एडवेंचर। और ये भाई लोग माल पी रहे भाई साहब, वहाँ पे जाना हमें जंगल से। सांप वाप भी हो सकते, झरना दिख रहा है क्या यहाँ से? हाँ दिख रहा ना भाई, हाँ देखो सामने है, वहाँ पे है झरना, अगर आपको दिख रहा है। पे नदी तो बहुत गहरी लग रही है, हमें कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा वो साइड जाने के लिए। चलो गाना गाओ। माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे, मांग ओ भाई साहब, बहुत खतरनाक एडवेंचर। नदी वदी क्रॉस करके जा रहे हैं, बहना मत। जंगली आदमी भाई नहीं लगेंगे। ओ भाई साहब, देखो भाई चप्पल, ये भाई की चप्पल चली गई। बहुत बुरी हालत है हम लोग की यहाँ पे। ये है असली एडवेंचर, ये है इतना बड़ा जंगल। ओ भाई साहब, वो वहाँ पे झरना है, चलिए चलते। भाई साहब क्या ब्यूटी है नेचर की, मुंबई में ये सब देखने मिलेगा हमें भी नहीं लग रहा था। हाय गाइस, देखो भाई इतना सारा पानी है, मुश्किलें झेल के जा रहे हैं भाई। पानी का दीवाना है। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तो सब्सक्राइब करो। हम लोग झरने के नजदीक पहुंच गए, एक के पीछे एक झरने, हम लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। रास्ता बहुत फिसलन फिसलन है और वहां पे वो लोग नाच रहे। हम लोग फाइनली झरने के पास पहुंच चुके हैं। आ जाओ, ये झरना देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से ऊपर ऊपर जाने रास्ता है। बारिश आ रही है और हमें जल्दी से जाना है ऊपर। आ जाओ, यहाँ से कैसे जाना है? ऐसा सीधा जाओ, ऐसा ही चढ़ के। हमें ये केकड़ा मिला है, मरा हुआ है, चलो इनका अंतिम संस्कार करते हम लोग कहीं पे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हमारे दोस्त फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये असली फन है, ये असली मजा है मॉनसून का। तो हम लोग यहाँ से अभी ऊपर जाने वाले हैं। तो ये गिर गया है और बारिश आ गई है, बारिश। बारिश आ चुकी है दोस्तों, बहुत जोर से बारिश आ चुकी है और हम लोगों ने हमारा टारगेट कर लिया है कंप्लीट, झरने के पास पहुंच के दूसरे वाले रास्ते से। तो यहाँ से अभी ऊपर से ये तीन बंदे आए, तो ये लोग बता रहे, क्या बोल रहे थे भाई? ऊपर भाई बहुत बाढ़ है और ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा पानी है और ऊपर से अभी बारिश ज्यादा आ रहा है, तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। बारिश कम होगी तो अपन ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, देख सकते हो आप पानी की जो स्पीड है वो बढ़ गई है। वहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता है, नहीं लग रहा मुझे हम लोग ऊपर जाएंगे अभी। और यहाँ पे रुक के अभी कुछ मतलब नहीं, मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। देख सकते हो पानी बहुत बढ़ चुका है वाला।
आजा आजा, कूदो सब लोग कूदो, आराम से आराम से। बहुत गंदा रास्ता, ये आराम मत, बहुत गंदा सीन है दोस्तों। पानी देखो, इसकी चप्पल गई। यहाँ से शॉर्टकट है पुलिस से बचने का, पुलिस से बचने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ से ऐसे जाना पड़ रहा है गलियों से। यहाँ पे लोग कैसे रह रहे देखो, रास्ता है ना बाहर जाए तो। हेलो, हाँ तो यहाँ पे सीढ़ी है, सामने से नीचे उतरना है और फिर तो थैंक यू। तो यहाँ से है वो रास्ता। हाय, क्या बोल रहा भाऊ? गार्डन मधून आत मधून जायचं। हम लोग यहाँ से बाहर आए और पुलिस गायब हो गई है बारिश को देख के। तो हमारा ये जो ब्लॉग था वो सक्सेसफुल था। इनको कह दो लाइक और सब्सक्राइब करो। तो ये मेरे नए दोस्त बन गए और सारे सब्सक्राइबर से। तो मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में अगले एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।